हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के लेके आया हूं चतुर्भुज की क्लास। बहुत ही शानदार सी क्लास होने वाली है, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, और जो लोग भी अभी तक नहीं आए उनको जल्दी से शेयर करके बताएं कि सर की क्लास आ चुकी है, 9 बज चुके हैं आपके अलार्म में। एकदम ठंडी का माहौल है, बहुत ज़्यादा आज ठंडी है भाई शहर में, तो है ना, ठंडी ठंडी है। तो माहौल के साथ एकदम गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ पढ़ेंगे अपन मजे के साथ, ठीक है दोस्त। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, और जितने लोग भी आके हैं जब भी आप देखें वीडियो को लाइक जरूर करें, जब भी आप जुड़े हमारे साथ लाइक जरूर कर दिया करें एक बार, ठीक है ना। तो क्लास शुरू करते हैं आज की, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। बहुत ही शानदार सा सेशन होगा हमारा ये क्वाड्रिलेटरल का। सब कुछ जितने तरह के आपके यूपीपीसीएस सीसेट के एग्जाम के लिए जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे तरह की बातें मैं यहाँ पे आपको करूंगा क्वाड्रिलेटरल के लिए। एक और दोस्त, मैं आप लोगों को बातें बता दूं, आप लोग अभी भी मेरी पुरानी वीडियोज को नहीं देख रहे हैं जाके देखिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप जाओ, कम से कम टेट वाले जिनकी एग्जाम 22 दिसंबर को है वो जाके उनको देखें। प्रीवियस जितनी भी वीडियोज हैं, इतनी सारी वीडियोज आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई है, जाके सारी वीडियोस देखिए और मन से देखिए, मन से पढ़िए और दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए पीसीएस वाले अपना सारा टारगेट कर लीजिए एकदम। एकदम स्पेशल क्लास है आप लोग का, मतलब आपका एग्जाम है 15 तारीख को, यानी कि परसों। बहुत ही बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत अच्छा पेपर जाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चतुर्भुज की आज से, शानदार क्लास शानदार सा सेशन, ठीक है। चतुर्भुज की बात करते हैं, तो सबसे पहले चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, कहां से एंगल कहां से ट्रायंगल हर एक बात यहां पे करेंगे, ठीक है। चतुर्भुज की बात शुरू करते हैं, समझिए। ऐसे एक चतुर्भुज होता है, समझिए। ऐसा एक चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, मतलब मैंने टेढ़ा बना दिया आप सीधा बना लो, कैसा भी एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज में ना ये ए बी सी और डी, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी आप देखो, ए बी भुजा, फिर कौन सी बी सी भुजा, फिर कौन सी सी डी भुजा, और फिर कौन सी डी ए भुजा। एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर चार भुजाएं हैं तो चार ही शीर्ष भी होंगे, यानी कि चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं, चार भुजा और चार कोण होते हैं चतुर्भुज में, ठीक है ना। और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 1+2+3+4, अगर इन चारों को आप जोड़ दें तो आपका आंसर 360 अंश हो जाता है। यानी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। यह बात आपने यहां से सीख लिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है ना। चतुर्भुज में कितने भुजा, चार। चतुर्भुज में कितने सिर, चार। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360। ये तीन बातें कवर हुई यहां से। आगे चलते हैं, चतुर्भुज के परिमाप के बारे में, चारों भुजाओं का योगफल चतुर्भुज का परिमाप होता है, ठीक है ना। चलिए अब चतुर्भुज के प्रकार देख लेते हैं, कितने तरह के चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है आयत, रेक्टेंगल। एक एक करके सभी के बारे में सीखेंगे, जितने चतुर्भुज के प्रकार है ना सभी के बारे में हम देखेंगे। रेक्टेंगल के बारे में शुरू करते हैं, आयत के बारे में शुरू करते हैं, फिर वर्ग पढ़ेंगे, फिर समलंब पढ़ेंगे, फिर समचतुर्भुज पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, जितनी प्रॉपर्टी हर एक प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, उनके क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे, पूरी थ्योरी पार्ट यहां पर कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। अब आयत क्या होता है, तो देखिए आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, कुछ इस प्रकार समझिए। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी चार शीर्ष चार भुजा। अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं तो चतुर्भुज के आयत के सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इधर से अगर देखेंगे आप तो आप कहेंगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी। मतलब आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर सी डी होता है और बी सी बराबर डी ए होता है।
ये चतुर्भुज की भुजाओं के बारे में, आयत के भुजाओं के बारे में। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी हर एक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, हर एक कोण 90 डिग्री का बना हुआ होता है आयत में, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद सीखते हैं जरा आयत के और प्रॉपर्टी को सीखते हैं, ध्यान दीजिए। तो आपने कहा कि आयत के बारे में आपने इतनी बातें सीखी। अब किसी भी आयत में दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं, कैसे? एक ये वाला विकर्ण और एक ये वाला विकर्ण, ऐसे दो विकर्ण खींचे जाते हैं और आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मतलब जितना ये वाला लंबा वाला AC, आप कहेंगे AC किसके बराबर होगा? BD के। इनके विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण, यानी कि कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D, ये क्या होंगे? 90 डिग्री के होते हैं प्रत्येक कोण। ये आयत की प्रॉपर्टी, आयत का नेचर होता है। ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आयत का जरा हमें चार चीजें जो सीखनी होती हैं, आयत के पहले परिमाप को देखते हैं। देखिए फिर से फिगर को जरा ड्रॉ करके समझते हैं। ये हमारा आयत है, समझिए यहां पे। अगर इसके 2D की बात करें, ये हमारा आयत है A B C D। आपने कहा कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हमारी लंबाई होती है L और ये हमारी लंबाई होती है L, ये दोनों लंबाइयां हैं। और उसके बाद जो इधर वाली दोनों हैं, जैसे कि ये वाली, ये हमारी चौड़ाई है B और ये भी हमारी चौड़ाई है B, ठीक है ना। और चौड़ाई भी तो आपस में बराबर होती हैं, तो चौड़ाई भी आपस में बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। अगर हम इनके परिमाप की बात करें, किसकी बात करें? परिमाप की बात करें, समझिए। अगर इनके हम परिमाप की बात करें, तो परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। तो लंबाई यानी L प्लस B प्लस L प्लस B, L कितनी बार? दो बार। B कितनी बार? दो बार। यानी आप कह सकते हैं कि परिमाप जो होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B होगा इनका परिमाप, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप 2 × में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इनके क्षेत्रफल की बात करें, तो उसकी इनका क्षेत्रफल क्या होता है, समझिए। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, परिमाप यानी कि पेरिमीटर, ठीक है ना। अगर आयत या रेक्टेंगल के क्षेत्रफल की बात करें, तो इनका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, L गुणे B। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुणे B, ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है ना। तो ये आयत का क्षेत्रफल भी आपने सीख लिया। अब इसके बाद कभी कभी हमसे इनके विकर्ण की लंबाई पूछ देता है। तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर इनके विकर्ण की लंबाई पूछता है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, जैसे कि ये वाली लेंथ, ठीक है ना, अगर ये वाली लेंथ के बारे में आपसे पूछ देता है, तो यही तो विकर्ण है ना। यानी BD का मान अगर आपसे पूछ दिया, तो आप पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े हुए हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इस लिहाजे ये हमारा एक क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है। तो अगर इसकी लेंथ पूछेगा, तो क्या बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय के? L² + B² इतनी बातें हैं जो आयत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2D के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे पहले वाली बातें मैंने आपको कवर करा दी। यानी कि आपसे आयत के बारे में कुछ भी पूछेगा, तो आप आसानी से बता देंगे। बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है हमारे आयत का। समझ में आ रहा है आप सभी को? आयत समझ में आया? आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आयत हमारा समझ में आ चुका है, एकदम सिंपल सी बात है आयत के लिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने वर्ग के लिए। समझिए, वर्ग में आपको सिखा रहा हूं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है देखते हैं जरा वर्ग के बारे में। तो आप कहेंगे एक ऐसी चतुर्भुज होता है भैया, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बस यही आप जानिए। और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये A
बी सी डी, यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी ए, चारों भुजाएं बराबर, और जो इनके दोनों बिकर्ण भी होते हैं यहां से यहां तक BD और ये वाला बिकर्ण AC, ये भी बराबर होते हैं आपस में, इनके बिकर्ण भी बराबर होते हैं और इनकी चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब मान लेते हैं कि इनकी भुजाएं ये वाली A है, ये वाली A है, ये वाली A है, तो ये वाली भी A होगी, चारों भुजाओं को हमने A मान लिया है। तो अगर हम बात करें कि आयत का क्षेत्रफल अगर आपसे या परिमाप के बारे में पूछ दिया, पेरिमीटर के बारे में अगर आपसे किसी ने पूछ दिया या एग्जाम में अगर परिमाप पे सवाल आ गया, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योगफल, यानी कि a प्लस a प्लस a प्लस a, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4a, तो इसका परिमाप क्या होता है 4a हो जाता है, ठीक है ना। और अगर सपोज करिए आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ देता है, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि इसके साइड का स्क्वायर, और साइड है कितनी ए स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाता है ए स्क्वायर, बात समझ में आई, तो इसका एरिया हो गया। कभी कभी आपसे इसका बिकर्ण यानी कि डायगोनल के बारे में पूछ देता है, किसके बारे में, डायगोनल के बारे में पूछ देता है, बिकर्ण की लंबाई, जैसे मान लीजिए यहां से ये वाले डायगोनल आपने खींच दिया है तो इसकी लंबाई भी आपसे पूछ देता है। तो बिकर्ण की लंबाई अगर पूछे तो आप वही, फिर से इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है इस लिहाज से आप लगाएंगे, तो क्या कहेंगे, भैया ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करड़ी, यानी क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 इंटू में a, ये इसका बिकर्ण की लंबाई आ जाती है, करड़ी में 2 इंटू a, यानी डायगोनल की लेंथ आ गई, बात समझ में। तो ये आपने स्क्वायर के बारे में सीखा। हर एक बात जो आपके टेट के एग्जाम में कारगर सिद्ध हो सकती है, वो हर एक बात मैं आपको यहां पे सिखाते चल रहा हूं। आयत और वर्ग, ये दो चीजें आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी से कॉन्सेप्चुअल साथ में हम चल रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ग की बातें समझ में आई, इसमें तीन बातें हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिमाप, क्षेत्रफल और बिकर्ण की लंबाई, और वर्ग मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, यहां तक की बातें। अब चतुर्भुज का अगला प्रकार सीखते हैं। अगला प्रकार एक होता है समलंब चतुर्भुज, समझिए इन चतुर्भुजों के बारे में भी सीख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज जिसको कहते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के बारे में सीख लेते हैं कि क्या होता है ट्रेपेजियम। देखिए ध्यान दीजिए, समलंब चतुर्भुज के बारे में सीखते हैं। समलंब चतुर्भुज का मतलब एक ऐसी आकृति होती है, ऐसी कुछ इस प्रकार से ए बी सी डी, ऐसा अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो वो समलंब चतुर्भुज। खास बात क्या है, खास बात ये है कि इसमें जो ए बी है ये पैरेलल होगा किसके, सी डी के, और पैरेलल की बातें मैंने आपको पढ़ाई है, यानी भुजाओं का ये वाला युग्म और ये वाला युग्म आपस में क्या होगा, समान होगा, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है ना, तो उसको समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब देखिए इसके जो बिकर्ण होते हैं, यहां से ये वाला बिकर्ण और यहां से ये वाला बिकर्ण, ये एक दूसरे का अनुपातिक विभाजन करते हैं, एक दूसरे को रेशियो के अनुपात में कट करते हैं। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए मैं इसको ओ पॉइंट दे देता हूं, तो आप कहेंगे एओ बटे में OC, ये बराबर होगा AO और OC, ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे BO बटे में OD के बराबर होगा, बात समझ में आई ना, ये इनके अनुपातिक विभाजन करते हैं, बिकर्ण के बारे में आपने सीख लिया। अब इसका परिमाप अगर पूछे तो चारों भुजाओं का योग, सिंपल सी बात है। इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल किसका, ट्रेपेजियम का, समलंब चतुर्भुज का। जितनी बातें पूछ सकता है सिर्फ मैं उतनी बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, बाकी तो बहुत कुछ सीखना होता है समलंब में, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी बातें हैं, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो समझिए जरा मैं आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान दीजिए क्षेत्रफल के बारे में मैं सिखा रहा हूं, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये वर्ग, ये समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, अगर समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी पहले हाइट निकालनी पड़ेगी h, इसी को बोलते हैं h।
तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इसमें ए बी प्लस में कौन सी भुजा, सी डी, समांतर भुजाओं का योग गुणे में इनकी ऊंचाई जो एच लिखी हुई है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन द सेंस कि ट्रेपेजियम का अगर एरिया पूछता है तो कैसे बताएंगे, पोजीशन देखिए फिगर को, उसके बाद समझ में आएगा। 1/2 गुणे समांतर भुजा ये वाली भुजा, समांतर भुजा ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का अगर आप वर्ग निकाल लेते हैं, इस इन दोनों भुजाओं का सम निकाल के आधा करके उसमें ये वाली जो हाइट निकाल रखी है आपने, इसी हाइट का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ, ठीक है। तो मैं पूरा थ्योरी की पार्ट कंप्लीट करा रहा हूं आप लोगों को, हर एक चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मैथ्स के लिए बेफिक्र हो जाइए, जहां से सवाल बनेंगे ना एकदम आप कर लेंगे, बस पढ़ते जाइए मेहनत से, मेहनत लगा के दिल से जान लगा के पढ़िए, सब कुछ आपका होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। और एडवांस मैथ यानी कि जितने भी मेरे प्यारे छात्र अगर टेट वाले आप लोग हो तो प्लीज मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये वाला पोर्शन 2D 3D का पोर्शन बहुत ही कमजोर पार्ट होता है, ठीक है ना, तो उनको एक बार जरूर ये वीडियो शेयर किया करो, ठीक है ना। प्लीज मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अगर आप हर एक किसी का भला करोगे ना तो आपका तभी भला होगा, तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, जितने लोग भी हैं सभी लोग अपने अपने स्टडी ग्रुप्स में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आप लोग बढ़िया से शेयर किया करिए, ठीक है। शेयर करेंगे तभी तो व्यूज आएंगे ना अच्छे, और मजा भी आएगा पढ़ाने में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सीखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। समझिए समांतर चतुर्भुज, देखिए ध्यान से, समांतर चतुर्भुज क्या होता है मैं आपको सिखाता हूं, पैरेललोग्राम जिसको कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम कैसा होता है भाई, देखिए एक ऐसा त्रिभुज ना जिसकी सारी भुजाएं देखिए ऐसे, ये और ये, ये ये, इस आकृति को ध्यान से देखिए, नाम है ए बी सी डी, ये इसका नाम है, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है समांतर चतुर्भुज की, पहली बात समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर, यानी कि बराबर और समांतर दोनों, यानी कि आप कहेंगे एडी जो है ये पैरेलल है किसके, बीसी के। पहली बात एडी जो है पैरेलल है किसके, बीसी के, ये ए से लेकर डी तक, ये बी से लेकर सी तक पैरेलल है। दूसरी बात आप कहेंगे ए बी समांतर है किसके, डी सी के, मतलब ये वाली भुजा जो आपको दिख रही है यहां पे, देखिए ध्यान दीजिए, ये भुजा, ये वाली भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हैं, एक तो समान भी हैं और दूसरी पैरेलल भी हैं, तो डी सी, कौन सी भुजा, डी सी, ये दोनों भुजाएं ये पैरेलल तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ ये क्या होती हैं, ये समान भी होती हैं, यानी AD यहां से बराबर है किसके, BC के, और यहां से आप कहेंगे AB बराबर है किसके, DC के, ये आपस में बराबर भी हैं और ये आपस में समांतर भी हैं, तो उसे ही हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ में ना, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं समांतर के साथ साथ बराबर भी हो, उन्हें ही समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज को सीखते हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर चलेंगे तो जो ये वाला विकर्ण होगा और जो ये वाला विकर्ण होगा, दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होगी, यानी कभी भी D1 और D2 आपस में बराबर नहीं होंगे। D1 माने डायगोनल विकर्ण, तो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के बराबर नहीं होगा, परंतु ये दोनों अपने आप को आधे पे, मतलब ये बराबर ये और यहां से आप कहेंगे ये बराबर ये, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर दो दो पार्ट में काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी अगर इसको ओ नाम दें तो आप कहेंगे एओ ये बराबर हो जाता है ओसी के, और दूसरा डीओ ये बराबर हो जाता है ओबी के। ये समांतर चतुर्भुज की खास बात है, बात समझ में आ रही ना,
ये समांतर चतुर्भुज की खास बात, जिसके अंदर आपने ये सीखा कि समांतर चतुर्भुज के बिकोण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर दो पार्ट में काटते हैं। ठीक है, अब जरा और सीखते हैं इसके बारे में, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इतनी बातें तो आपने सीख लिया, अब जरा और भी बातों इसके अंदर स्टडी करते हैं भाई, कि कैसे कैसे क्या होता है, हर एक बात को कवर करेंगे हम। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इनकी साइड बना लेते हैं, ये गायब हो चुका है, ये ठीक है, हमने साइड बना रखी है। अब अगर इनके एरिया की बात करें, देखिए ध्यान दीजिए, इनकी एरिया की मैं आपसे बात करता हूं कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज की एक और खास बात होती है कि अगर इनका, मान लीजिए ये बिकर्ण है, तो अगर बिकर्ण खींचा आपने एक, तो इसमें दो त्रिभुज बनेंगे, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा, या कह लें ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, है ना। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, यानी अगर हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, यानी आप कह सकते हैं एक खास बात कि समांतर चतुर्भुज का बिकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में, दो बराबर त्रिभुजों, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। कभी कभी एग्जाम में पॉइंट पूछ देता है, पूछता है कि समांतर चतुर्भुज के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी सही है या कौन सी प्रॉपर्टी गलत है, कौन सी विशेषताएं सही है या कौन सी विशेषताएं गलत है। तो उसमें यह पॉइंट आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट है कि समांतर चतुर्भुज का बिकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। तो जैसे मैंने ये बिकर्ण खींचा है, तो आप कहेंगे कि इसमें ये वाला जो एरिया वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया का पोर्शन है, ये समझ दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहां पे फिर से बना देता हूं, ये वाला जो एरिया का पोर्शन है दोस्त, ये वाला एरिया का पोर्शन दूसरे वाले एरिया के पोर्शन, यानी इस वाले एरिया के पोर्शन के बराबर होगा, इन दोनों का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर हम किसी एक त्रिभुज का एरिया निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, एक त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे समझिए, जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, एक का क्षेत्रफल निकाल के उसी का डबल कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है त्रिभुज का, ये मैंने आपको सिखाया है। अगर मान लीजिए इसकी साइड को हम मान लेते हैं बेस बी, और इसकी जो हाइट है, दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये वाली साइड को मान लेते हैं बी, और जो इसकी हाइट है इसको मान लेते हैं एच, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसी का दुगुना, यानी कि अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है समझिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए कैसे निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे एक बटे दो गुड़े एक का एरिया निकालेंगे, आधार गुड़े ऊंचाई, एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई, फिर उसी का डबल करेंगे, उससे अच्छा डायरेक्टली बेस इनटू हाइट लिखिए, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुड़े ऊंचाई। आधार कौन है बी, ऊंचाई कौन है एच, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। अगर आप इसमें आधार दूसरी वाली साइड को मानते हो, सपोज करिए यहां पे अगर आपने आधार इसको मान लिया, तो इस भुजा से इस भुजा के बीच की जो दूरी होगी वो ऊंचाई हो जाएगी। बात समझ में ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुड़े ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ समांतर चतुर्भुज का, जितनी प्रॉपर्टी है सारी इंपॉर्टेंट आपको लिए बता रहे हैं। इसके बाद दूसरा एक चीज होता है समचतुर्भुज, इसके बारे में भी सीख लेते हैं क्या होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। ठीक है, क्या है रोम्बस, कैसे है रोम्बस, हर एक बात इसके अंदर करेंगे कि क्या होता है रोम्बस और कैसे होता है। तो समझिए रोम्बस के बारे में मैं सिखा रहा हूं आप लोग को। देखिए रोम्बस का मतलब हो गया ना, समझिए कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी ना चारों भुजाएं बराबर हों। सही सही नहीं बना, समझ लिए होते आप। देखिए फिर से बना देता हूं, ये ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए कि ऐसा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, चलिए सपोज करिए ये एक त्रिभुज बना,
मेरा ड्राइंग बहुत ही अच्छा है, ये आप लोग समझ सकते हैं यहां से, है ना। तो एक त्रिभुज जैसे दिख रहा है एबीसीडी, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों साइड आपस में बराबर हो जाएगी। अगर चारों साइड आपस में बराबर है तो ही वो समांतर वो ही तो क्या है, समचतुर्भुज है, यानी कि रोम्बस है। अगर चारों साइड बराबर है तो आप कहोगे सर फिर तो वर्ग होना चाहिए। वर्ग की एक खास बात होती है कि उसके प्रत्येक कोण समकोण, यानी कि हर एक कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, जबकि समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है परंतु हर एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है, ये बात जानते रहिए, ठीक है ना। तो अब इसकी बात करें कि जैसे इसकी ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है ना। खास बात सबसे ज्यादा जो है वो इसके बिकर्ण के बारे में है। देखिए मैं सिखा रहा हूं, बिकर्ण जैसे कि ये बिकर्ण है और जैसे कि ये बिकर्ण है, दो बिकर्ण आपने खींचा, ये दोनों बिकर्ण आपने खींच दिया। इन दोनों बिकर्ण की खास बात यह है कि ये दोनों बिकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, मतलब इनके बिकर्ण जहां काटते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते नहीं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के बिकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के अंश पर समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हम सपोज करें कि ये पॉइंट हमारा ओ है, तो आप कहेंगे यहां से एओ बराबर ओसी हो जाएगा और बीओ बराबर ओडी हो जाएगा। लेकिन एक और खास बात है कि यहां पे हर एक कोण, यानी कोण ओ पर जितने कोण दिख रहे हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, सब के सब क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना। चलिए ये भी बात आपने सीख लिया। अब आती है परिमाप की बारी, तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे यानी 4a इसका परिमाप हो जाता है। अब आते हैं इनके क्षेत्रफल की बारी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे इनके क्षेत्रफल के बारे में किसी ने चर्चा किया, जैसे ये एक बिकर्ण है और ये एक बिकर्ण है D1 और D2, इस वाले बिकर्ण की लंबाई D1 है और इस वाले बिकर्ण की लंबाई D2 है, तो अगर इनके क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो ये होता है इनके बिकर्णों का गुणनफल डिवाइड बाई में 2, यानी D1 × D2 बराबर में बटे में 2, ठीक है ना, 1/2 × D1 × D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल यानी कि बिकर्ण है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 × D1 × D2 बिकर्णों का गुणनफल, ठीक है। एक और बात जो समचतुर्भुज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल बनता है, वो मैं आप लोगों को बोल दूं। देखिए अब मैंने अभी आपको बताया, समझ करिए ध्यान दीजिए, कि समचतुर्भुज के बिकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं, सपोज करिए कि मैंने आपसे कहा कि इनका जो ये साइड है ना, ये 6 सेंटीमीटर का है, मैंने आपसे कह दिया इनकी साइड जो है 6 सेंटीमीटर की है, और इनका जो ये बिकर्ण दिख रहा है, ये बीडी, सपोज करिए, एक सवाल छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं, बिकर्ण सपोज करिए 20 सेंटीमीटर का है, बीडी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और इनकी जो साइड है यानी ए कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए इनकी जो दूसरी वाला बिकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी, यहां से मान लीजिए इसको, सवाल को थोड़ा सा ऐसे ही चलो, इसी का मान सपोज करिए बता दे, ठीक है ना। तो ये सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, रेशियो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहां से, देखिए ध्यान दीजिए, चेंज कर देते हैं, बीडी का मान नहीं रखते हैं, 6 किसी और का मान रख देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से ये इसको 90 डिग्री पर काटेगा, समझिए ध्यान दीजिए, ये इसको 90 डिग्री पर काटेगा, है ना, 90 डिग्री पर काटेगा। तो मान लेते हैं कि इनकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर की है, इनकी जो साइड है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर की, ऐसा हमने मान लिया है कि इनकी जो ये वाली साइड है वो 20 सेंटीमीटर की है, और दूसरा वाला जो ये बिकर्ण है इसको भी कुछ मान लेते हैं, सपोज करिए इस बिकर्ण को हमने मान लिया कि 24 सेंटीमीटर का है, ठीक है, बिकर्ण को मान लिया, यानी कि ये वाला कोई भी बिकर्ण मान लो, जैसे मान लो आपने बीडी मान लिया 24 सेंटीमीटर का। अब दूसरा वाला बिकर्ण आपसे एसी पूछ दिया है कि बताइए एसी कितना होगा, ये सवाल में मान लीजिए पूछा, तो समझिए इसको कैसे लगाना है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि इस सवाल को कैसे लगाना, तो बहुत ही शानदार सा सवाल है, मजा आ जाएगा इसको लगाने के बाद। अच्छा बताइए बीडी की लेंथ कितनी दिया है, 24, यानी कि आप कहेंगे इसकी ये वाली लेंथ, बीडी तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, यानी ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 12, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 12, ये वाली लेंथ 12 हो गई। दूसरी बात, ये वाली लेंथ आपने 12 निकाल लिया,
अब यहां पे देखते हैं, ये वाली लेंथ आपने 20 निकाल ही लिया है और यहां पे 90 डिग्री बनता ही है, इसी का मान निकाल के और इसी का डबल कर देंगे तो एसी का मान आ जाएगा। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, यानी पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, 20 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, है ना, यानी 20 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के साथ आपको बनाना है। तो देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, इसी में से 12 का स्क्वायर घटा दीजिए 144 और इसी का वर्गमूल कर देंगे तो आपको किसका मान निकल के आएगा, यहां से ओ रख दीजिए तो ओ सी का मान आ जाएगा। ठीक है, 400 में से इसको घटाना है, यहां से आ गया 6, ठीक है, यहां से कितना 9 में से 4 गया तो 5 और यहां से कितना 3 में से 1 गया तो 2, 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 16, इसका मान ओसी का मान 16 आ गया, तो पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 16 दुनी के 32, पूरे विकर्ण की लंबाई 32 आ गई तो दूसरा विकर्ण 32 का आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में समचतुर्भुज में बन सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। क्यों मैंने बताया ये 16 आ गया तो ये कैसे 32 हो गया, क्योंकि ये जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये आधा पार्ट होगा और आधा पार्ट ये होगा, यहां से अगर पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये 20 है ये 12 है तो ये 16 आएगा, और जब ये 16 आ जाएगा तो इसी का दुगना कर देंगे तो 32 आ जाएगा। ये 12 कैसे आया, ये पूरी 24 दिया हुआ है जिसका आधा ये 12 हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण, वो भी 90 डिग्री पर। ये आपने समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी और उस पे एक छोटा सा सवाल भी देख लिया। अब एक और चीज आपसे पूछा जाता है, वो होता है चक्रीय चतुर्भुज। देखिए जरा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान सी चीज, एक जो सर्कल में बना हुआ चतुर्भुज होता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। A, B, C, D, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है जो सर्कल में बना हो। इसके लिए सिर्फ एक ही बात खास आपको याद रखनी है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों संपूरक होते हैं। संपूरक, ये मैंने लास्ट क्लास में आपने कोण के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया था संपूरक क्या होते हैं, यानी कि कोण B और प्लस कोण D का मान आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण संपूरक, यानी इनका मान 180 अंश होता है, ठीक है। या फिर ये वाले कोण, अगर इन कोणों की बात करेंगे, समझिए ये वाले कोण और ये वाले कोण भी संपूरक होंगे, ठीक है ना, यानी आप कहेंगे कोण ए प्लस कोण सी का मान भी 180 अंश हो जाता है। यहां से अगर सवाल बनता है तो एक देके दूसरा पूछ लेता है, इस तरह का सवाल इस पे बनाया जा सकता है। बात समझ में आई, तो मैं होप करता हूं ये चतुर्भुज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पूरी थ्योरी पार्ट जितना भी टेट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें हमने कवर कर दी है, इसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। और जितने भी यूपीपीसीएस वाले जिनका पीसीएस है 15 तारीख को, वो सभी लोग ध्यान से देखें, ये आपकी क्लास सीसेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकते हैं आपके पार्ट से। और इस बात की गारंटी मैं कह रहा हूं भाई कि चतुर्भुज चवार सवाल बनाना, तो इस वीडियो के बाहर से कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो इसके बाहर बन जाए, इतनी थ्योरी पार्ट के अलावा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं होप करता हूं चतुर्भुज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जम के शेयर करिएगा इसको और लाइक सभी लोग करिएगा। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड एंजॉय।